पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से AQI बढ़ रहा है। ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, यमुना में भी प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ सबको नजर आ रहा है। जिस तरह से कालिंदी कुंज पे झाग बन रही है, ये साफ प्रमाण है कि प्रदूषण का स्तर यमुना में बढ़ रहा है। आज दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हवा में, पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण क्या है। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। केंद्र सरकार के ही आंकड़े ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब बनने से पहले 2021 में 71,300 फार्म फायर्स के स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब में हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के प्रयास से वो 50% रिड्यूस हो गए 2023 तक, जब लास्ट ईयर मात्र 36,600 फार्म फायर्स यानी स्टबल बर्निंग पराली जलना आधा हो गया आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। आप इस साल के भी आंकड़े उठा के देखिए, हर रोज केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI पूसा स्टबल बर्निंग के आंकड़े जारी करता है। अगर आप उन आंकड़ों को देखने जाएंगे तो 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 2023 में 1105 फार्म फायर्स हुई थी, वो इस साल घट के सिर्फ 811 रह गई हैं, यानी 27% रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा और यूपी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके आंकड़े देखने जाएंगे तो दिखता है हरियाणा में जहां पे पिछले साल 1 और 15 अक्टूबर के बीच में 341 फार्म फायर्स हुई थी, वो 23% बढ़कर 417 पहुंच गई है। यूपी में जहां पे पिछले साल 244 फार्म फायर्स हुई थी, वो 70% बढ़ के 417 पर पहुंच गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति बिल्कुल साफ है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज सुबह मैं आनंद विहार बस अड्डे गई, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे में कहा जाता है कि उस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी CNG बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसें आती हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस की एक फ्लीट खड़ी कर दी, जहां आज दिल्ली में CNG बसेस की लाइन लगी हुई है, हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी, यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी,
क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति करना चाहते। तीसरी बात, ईंट के भट्टे, ईंट के भट्टे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी ईंट का भट्टा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर के एरिया में अगर आप जाइएगा तो हरियाणा में, यूपी में 3,800 ईंट के भट्टे हैं जिनसे लगातार दिल्ली का और आसपास के इलाकों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जो ईंट के भट्टों से पोल्यूशन आता है वो यो थोड़ी देखता है कि जी अब दिल्ली का बॉर्डर आ गया, अब यहां पे प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए इन ईंट के भट्टों का प्रदूषण रोकने के लिए। चौथा, थर्मल पावर प्लांट्स। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सारे थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए, लेकिन यूपी में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने के लिए एनसीआर के इलाके में 9-9 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स चलाती। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं।